नमस्कार, मैं डॉक्टर जी एच ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू विश्व भारती यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर मोडल सर, HOD, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, who given me the opportunity to keep my view in this platform. My topic is bioenergy and yoga. I have only 50 minutes, so I start my session. In yoga, we use energy for prana. For prana, which provides energy to us, to all of us. First, we have to understand what is the prana, what is the energy. When prana or energy flows in our body in proper manner, means in balancing way, without disturbing, then you feel relaxed. And when your prana become disturbed or imbalanced, that time you feel stressful, anxiety, you feel. Dr. Achar Nagendra ji, Guruji, our Guruji, very well explained about the energy model. First, we have to try to understand about energy model. What is energy model? See, everything is made by energy, E equal to MC square. If I want to lift this pen, main pen ko uthana chahta hun, I require some kind of energy. But how much I require, that I don't know. Agar main isko utha leta hun, it means I generated or produced the energy more than this pen. But I don't know how much energy is required to lift this pen. So, suppose example, this pen has 100 kilocalories. Example, अगर 100 kilocalories की आवश्यकता है इस pen को उठाने में, then I produced, I think more than 100, that's why I lift this pen, तभी मैं pen को उठा पाया. और इसको खर्च हुई only 50 kilocalories. Suppose it's required only 50, बट आई प्रोड्यूस 100, तो 50, वेर इट वेंट, वो कहां गई, बची हुई 50 एनर्जी कहां गई? वो एनर्जी जो बच गई 50, वी जनरेटेड 100 बट वी यूज ओनली 50, द रिमेनिंग 50 एनर्जी इज रिमेन इनसाइड आवर बॉडी. और दिस थिंग हैपन डे टू डे लाइफ, डे टू डे एक्टिविटी, व्हेन वी डोंट नो हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्स for particular work or particular task. So sometime or somewhere we feel, after some time we feel stressful condition, anxiety in our body, because we don't know how to reduce that extra energy. See, energy has is very big power, it has tremendous power, it has. I can give you one more example for about Lord Krishna. In childhood, Lord Krishna killed so many Rakshasas. क्या आप सोच सकते हैं कि छोटा सा बच्चा कैसे इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार सकता है? We should think. It's not possible at all. Even though he is God, but what qualities is has? We should think. हमें समझना चाहिए कि ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण जी ने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार लाया. वेरी सिंपल थिंग. वह क्या करते थे? What he does, he generated the energy as much as he required. Suppose that Rakshasas has whatever energy he has, he generated more than that energy what Rakshasa has. राक्षसा पे जितनी एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी को कृष्ण जी जनरेट करते थे.
जब ज्यादा एनर्जी मेरे अंदर आ जाएगी सामने वाले की तुलना में, तो इजिली आई कैन किल द अदर पर्सन. सो सिमिलरली हियर ऑल्सो वी शुड नो हाउ मच एनर्जी वी रिक्वायर फॉर दिस वन. कृष्ण जी, हार्ड लाइक ए डायमंड एंड सॉफ्ट लाइक ए फ्लावर. बिकॉज देन एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, ही वॉन्ट जनरेट द एनर्जी, देन बिल्कुल शांत काम एंड क्वाइट. सो वी शुड लर्न हाउ मच एनर्जी वी रिक्वायर ड्यूरिंग अवर वर्क. योगा प्रोवाइड्स यू, योगा गिव्स यू द पाथ. थ्रू योगा ओनली यू कैन लर्न हाउ मच एनर्जी वी रिक्वायर एंड हाउ मच स्पेंड अवर एक्स्ट्रा एनर्जी. इफ एक्स्ट्रा एनर्जी वी हैव, वी शुड स्पेंड, हमें खर्च करना चाहिए, निकाल देना चाहिए. तो दिस थिंग वी शुड लर्न थ्रू योगा, दैट इज अ बायो एनर्जी एंड योगा. सो व्हाट आर द टेक्निक्स? आसना, थ्रू आसना, प्राणायामा, मेडिटेशन, देर आर मेनी टेक्निक्स. व्हाट आसना डज फॉर दिस? व्हेन वी डू आसना, अवर नाड़ी बिकम फ्लेक्सिबल. अवर प्राणा फ्लोज इन अवर नाड़ीज, थ्रू अवर नाड़ीज इन अवर बॉडी. सो व्हेन नाड़ीज आर बिकम फ्लेक्सिबल, तो प्राणा मूव्स फ्रीली वे विदाउट डिस्टर्बिंग. और व्हेन अवर नाड़ीज इज टेंस, देन प्राणा डिस्टर्ब, इट कांट मूव फ्रीली. सो आसना, थ्रू आसना अवर नाड़ी बिकम फ्लेक्सिबल. देन प्राणायाम, व्हाट प्राणायाम डज? थ्रू ईड़ा पिंगला वी बैलेंस द एनर्जी, वी बैलेंस द एनर्जी. और थ्रू पंचकोशास, थ्रू पंच प्राण अवर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अवर बॉडी इन प्रॉपर मैनर. सो वी शुड नो हाउ मच एनर्जी. सपोज पंच प्राण इज ऑल ऑफ अस नो अबाउट द पंच प्राणा, दैट इज प्राण, अपान, समान, उदान एंड व्यान. इफ यू सी अबाउट प्राणा, प्राण पंच प्राण, अबाउट फर्स्ट इज प्राण, दैट सीट इज हार्ट, दैट सीट इज हार्ट, और इट गवर्न्स ब्रीदिंग, सींग, हार्ट बीट. दिस प्राणा बैलेंस योर हार्ट बीट, बैलेंस योर ब्रीदिंग पैटर्न, वेदर बैलेंस योर सींग. एंड वेन इट डिस्टर्ब, योर हार्ट बीट इज डिस्टर्ब, योर ब्रीदिंग इज डिस्टर्ब, इट मीन्स प्राणा इज डिस्टर्ब. तो वी शुड बैलेंस दिस प्राणा. सेकेंड इज अपाना, दैट सीट इज एनस, इट बैलेंस, इट गवर्न्स एक्सेलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी फंक्शंस, यूरिन, सीमन एसेट्रा. सो इट थ्रू अपाना प्राणा वी बैलेंस दिस फंक्शन. थर्ड इज समाना, समाना इट इज नेवल रीजन एंड इट बैलेंस अवर बिटवीन प्राणा एंड अपाना. इट गवर्न डाइजेशन, लीवर, पंचक्रियास. वेन योर डाइजेशन इज स्ट्रांग, इज गुड, इट मीन्स अपाना वर्क प्रॉपरली, समाना वर्क प्रॉपरली. एंड वेन डाइजेशन इज डिस्टर्ब, इट मीन्स समथिंग इज इम्बैलेंसिंग बिटवीन द प्राणा एंड अपाना. सिमिलरली उदाना, रीजन इज थ्रोट एंड इट गवर्न्स बल्चिंग, हिकअप्स, वॉमिटिंग. सो वेन यू फील लाइक वॉमिटिंग, लाइक बल्चिंग, लाइक हिकअप्स, इट मीन्स उदाना प्राणा हैज बिकम डिस्टर्ब. नेक्स्ट इज, लास्ट इज व्याना, व्याना गवर्न्स ऑल ओवर अवर बॉडी, ऑल ओवर अवर बॉडी एंड इज कंट्रोल द ऑल मूवमेंट्स ऑफ ऑल मूवमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट और अदर प्राणास. सो दिस पंच प्राण वेरी मच इम्पोर्टेंट इन अवर बॉडी. सो नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग अबाउट द एनर्जी. वन मेन एम फॉर ऑफ योगा इज ऑल्सो कुंडलिनी जागरण. कुंडलिनी जागरण भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है योग करने का. लोग योग करने के माध्यम से अपने कुंडलिनी को जागरण करते हैं. कुंडलिनी हैज ट्रिमेंडस एनर्जी. वी हैव 7 चक्रास. इन मूलाधार चक्रास वी हैव लॉट ऑफ एनर्जी. जब हम सांस छोड़ते हैं, व्हेन वी एक्सहेल, दैट एनर्जी रेज अप, ऊपर को उठती है, रेज उठती है. और थ्रू चक्रास इट गोज टू सहस्त्रधारा.
थ्रू चक्रास, चक्रा के माध्यम से ये सेल ज्यादा तक जाती है। आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है, जब आप कुंडली जागरण का अभ्यास करना चाहते हैं उससे पहले बहुत जरूरी है कि आपका अपने शरीर के ऊपर, अपने प्राण के ऊपर कंट्रोल अच्छी तरह हो जाए। इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर एनर्जी और यू आर ट्राइंग टू रेज योर कुंडलिनी जागरण कुंडलिनी, देन यू बिकम मैड। यस, देन यू बिकम मैड। सो यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल अवर एनर्जी। आपको कंट्रोल, एनर्जी कंट्रोल करना आनी चाहिए अगर आप कुंडली जागरण का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये आपको तभी मिलेगा जब आप सही मार्ग से आप योग को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जब आप प्रॉपर चैनल से जाते हैं तब आप इजीली आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब भी आप कुंडली का अभ्यास कीजिए तो आप किसी गुरु के सानिध्य में रहकर ही इसका अभ्यास करना चाहिए। तो कुंडलिनी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो जब कुंडली मीन्स एनर्जी, सो व्हाट हैपेंड, क्या होता है व्हेन कुंडली रेज अप, जब कुंडली रेज करती है तो क्या होता है, व्हेन वी गेट दैट टाइम वी गेट सम काइंड ऑफ सिद्धिज, सम काइंड ऑफ पावर्स। तब हमको कुछ सिद्धि और पावर मिलती हैं जब हम कुंडली जागरण का अभ्यास करते हैं और यह कुंडली जागरण होती है। हाउ आई विल कम टू नो कि माई कुंडली इज अराइजिंग, है ना, वेन यू क्रॉस द चक्रास वन बाय वन एज आई टोल्ड कि यू विल गेट द सिद्धिज। वेन यू आर गेटिंग द सिद्धिज इट मीन्स यू आर गोइंग टू राइट पाथ। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, If you got the siddhis, some kind of siddhis if you got, or you are trying to entertain that siddhis to the pupil, then first after some time that siddhis will go off. वो सिद्धि चली जाएगी। दो वो सिद्धि आपके लिए है, वो entertainment का साधन नहीं है, वो एक साधना मार्ग का साधन है। अगर आप उसको entertain करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, तो सिद्धि धीरे चली जाएगी। तो दोस्तों, वन बाय वन जब हम भी क्रॉस करते हैं अपने चक्रास को, तो हमें सिद्धियां मिलती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू क्रॉस द चक्रास और इफ यू ट्राइंग टू हैव संयमा, संयमा मीन्स व्हेन सिंसियर ऑब्जेक्ट मर्ज, तो एक जगह आकर मिल जाता है, तो संयम स्थापित हो जाता है, तब आपको सिद्धि मिल जाती है। अगर आपने कंठकूप इस रीजन पर अगर आपने संयम प्राप्त कर लिया, आपको भूख और प्यास नहीं लगेगी। तो ऐसे पतंजलि में लगभग 40 के अराउंड सिद्धियां बताई गई हैं। तो ये सिद्धि प्राप्त करना भी, और ये तभी मिल सकती हैं, फिर से मैं बोलूंगा, व्हेन यू हैव कंट्रोल ऑफ योर एनर्जी, जब आपका एनर्जी पे कंट्रोल है। तो योगा के माध्यम से ये एनर्जी प्रॉपर मैनर में चैनलाइज होती है हमारे शरीर के अंदर, प्रॉपर मैनर में थ्रू पंच प्राण के माध्यम से पूरे बॉडी में गवर्न करती है। तो हमें ये एनर्जी को कंट्रोल करना आना चाहिए और थ्रू एनर्जी के माध्यम से ही हम योग के साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो एनर्जी योग में, एनर्जी का बहुत बड़ा स्थान है और कई सारी रिसर्च ये रिवील कर चुकी है कि एनर्जी को स्टोर करना आना चाहिए, और साथ ही साथ हाउ मच वी रिक्वायर दैट एनर्जी वी शुड नो, हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमें पता होना चाहिए, और हमें कैसे खर्च करना है हमें पता होना चाहिए। एज आई मेंशन अर्लियर कि जब एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे शरीर में रहती है, सो वी डोंट नो हाउ टू स्पेंड, कैसे खर्च करनी है, तो थ्रू एक्सिलेशन के माध्यम से वो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है, तभी हम फील रिलैक्स करते हैं, तभी हमें अच्छा महसूस होता है, वी फील रिलैक्स। आपने देखा होगा इन कपालभाती, ड्यूरिंग कपालभाती वी जस्ट एक्सहेल, नो इनहेलेशन, जस्ट एक्सहेलेशन, और आफ्टर एक्सहेलेशन वी फील रिलैक्स। सिमिलरली सुदर्शन क्रिया कॉन्सेप्ट आर सेम, सो सी द इफेक्ट ऑफ द एक्सहेलेशन, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज सेज ड्यूरिंग द आसना और प्राणायामा, योर एक्सहेलेशन ऑलवेज बी लॉन्गर देन योर इनहेलेशन। इफ योर एक्सहेलेशन इज 10 seconds, योर एक्सिलेशन शुड बी 20 seconds, 1:2 रेशियो, और ड्यूरिंग चांटिंग टाइम आल्सो अकार उकार मकार 1:2 रेशियो,
Because in the last makara sound, it's exhalation, a uma, exhale. When we exhale, then exhalation should be longer than inhalation. Then you feel relaxed. That time extra energy will goes out. So in this session, just two things we have to remember. One, how to store our energy and how to produce our energy, or how to spend our energy. आप खुद सोचिए, अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि मुझे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इस काम को करने के लिए, और मैं मेरे अंदर कुंडलिनी जागरण के माध्यम से ये शक्ति आ जाए कि उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करूं जितनी मुझे आवश्यकता है, सो मैं उस काल के पश्चात मैं टेंस होऊंगा ही नहीं, मैं स्ट्रेस होऊंगा ही नहीं, आई फील बिकम रिलैक्स. सो ड्यूरिंग द वर्क ऑल्सो यू शुड रिलैक्स, स्टिमुलेट वन हैंड रिलैक्सेशन. Your relaxation should be longer than your stimulation. So 50 minutes over ho chuke hain, mujhe 15 minute mein mile the. So I hope maine aapko energy aur yoga ke bare mein thoda samjhaya hai. Bahut kam samay tha, lekin aap isko isi concept ko aage leke chalenge to aapko bahut kuch seekhne ko milega yoga mein. Aur isi ke sath main fir se Vishwa Bharati ka aur Mandal sir ka aabhar vyakt karta hu, aur aap sabko 6th इंटरनेशनल योगा डे की शुभकामनाएं देता हूं. और ये हम लोगों का पर्व है, ये सभी भारतीय लोगों का पर्व है. और इस समय जो हमारी सिनेरियो है पूरे वर्ल्ड में, इस समय तो योग की महत्ता और बढ़ जाती है. और हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम योग को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने दिनचर्या में उतारेंगे, और जिसका हमें कि हमारे मेंटल हेल्थ पर, हमारे शारीरिक पर, हमारे सामाजिक पर, सभी स्तर पर उसका प्रभाव अच्छा पड़े. इसी शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद.